सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यार आप अच्छे हो गए। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 10 जॉब मोड्स फॉर एमसीपी 1.18। और गाइस, ये सारे जॉब मोड्स काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। और गाइस, ये वाला वीडियो इस वाले सीरीज का पार्ट थर्ड होने वाला है। अगर गाइस आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जाकर देख लो, उसमें भी मैंने मस्त मस्त वाले जॉब मोड्स दिए हुए थे जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को मेंटर पॉकेट एडिशन का पब्लिक एसएमपी अच्छा लगता है और गाइस खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है आप लोगों को, तो गाइस आप मेरे एसएमपी में खेल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वहां से ज्वाइन कर लो और गाइस खेलो, काफी ज्यादा मजा आएगा। बहुत सारे प्लेयर्स खेलते रहते हैं, इनके साथ खेल के आप लोग भी मजे कर सकते हो। सो गाइस जाओ और ज्वाइन करो और खेलो, और गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। अब चलते हैं गाइस अपने वीडियो की तरफ। वेल गाइस, आज के वीडियो का जो हमारा फर्स्ट मोड होने वाला है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, आपको दिख ही रहा होगा। इस वाले मोड का नाम है लेफ्ट हैंड पिकेक्स मोड। और गाइस काफी ज्यादा ये अच्छा लगता है। जावा एडिशन में हम लोग अपने आइटम्स को लेफ्ट हैंड में पकड़ सकते हैं लेकिन पॉकेट एडिशन में नहीं पकड़ सकते। सो गाइस उसी के लिए मैंने ये वाला मोड इंस्टॉल किया, इसके हेल्प से हम लोग पिकेक्स को लेफ्ट हैंड में पकड़ सकते हैं। और गाइस देख ही सकते हो, इससे जो माइनिंग होता है यार क्या ही सही होता है। और गाइस ये बस माइनिंग नहीं, बाकी सारे काम भी इजिली कर लेता है। देख ही सकते हो कितना ज्यादा स्मूथली ये काम करता है। और गाइस कितना ज्यादा ये इजिली यहाँ पर सारा यहाँ पर माइन कर दिया, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। और गाइस इस वाले मोड में आपको 3 हट एक्स्ट्रा मिल जाने वाले हैं, जो कि सर्वाइवल में काफी ज्यादा यूजफुल होगा। जब आप अपने लेफ्ट हैंड में पिकेक्स को पकड़ोगे तो गाइस 3 हट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस आप इस वाले मोड को यूज करने वाले हो कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस अगर आपको लेफ्ट हैंड टॉर्च चाहिए तो वो पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने दिया हुआ है, जाकर देख लो, वो दोनों पार्ट आपको उसमें मिल जाएगा। अब गाइस जो सेकंड नंबर पे मैं आपको मोड देने वाला हूं, उस वाले मोड का नाम है आरटीएस प्लस रियलिस्टिक लावा का कॉम्बो। और गाइस ये दोनों का कॉम्बो होने वाला है, देख ही सकते हो। सबसे पहले तो गाइस आप लोग आरटीएक्स पैक देख लो कैसा है। सो गाइस इसमें जो डॉट वगैरह हैं, ट्रीज वगैरह, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। क्राफ्टिंग टेबल भी आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। अब गाइस मैं आपको दिखा देता हूं जिसके लिए आप लोग इस वाले वीडियो को देख रहे हो, रियलिस्टिक लावा काफी ज्यादा ये रियलिस्टिक लगता है। रियल लाइफ वाला जो लावा रहता है सेम टू सेम वैसा ही देखने में ये लगेगा। और गाइस आप लोग दोनों का कॉम्बो भी देख सकते हो, एक तरफ आपको जो ओरिजिनल वाला लावा रहता है और एक तरफ रियलिस्टिक, दोनों में से आप लोग खुद ही डिसाइड करो कि कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। मेरे को तो रियलिस्टिक लावा काफी ज्यादा मस्त लग रहा है देखने में, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इनकेस अगर आप लोग ये वाला मोड को डाउनलोड करना चाहते हो तो गाइस ये वाला मोड आपको लिंक से कहीं भी नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन से डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट। इसके लिए गाइस आप लोग चले जाना है एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट पे, और गाइस वहां पर जाकर सर्च कर लेना HD। तो गाइस थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको लाइव HD टेक्सचर पैक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना, इसी में आपको रियलिस्टिक लावा मिल जाएगा। सो गाइस नंबर 3rd पे जो मैं आपको मोड देने वाला हूं, उस वाले मोड का नाम है आइटम फिजिक्स मोड। और गाइस इस वाले मोड में आपको तगड़े तगड़े फिजिक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि देख सकते हो यहां पर आइटम्स मैंने गिरा कर रखा हुआ है और गाइस रियल लाइफ जैसा यहां पर गिरा हुआ है। ऐसे अगर माइनक्राफ्ट का ओरिजिनल वाला देखो तो वो हवा में उड़ते रहता है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। सबसे बेस्ट तो यार मेरे को ये शील्ड लग रहा है, शील्ड का जो रखने का स्टाइल ये देख सकते हो, काफी द रियल लाइफ जैसा मैच कर रहा है और गाइस बहुत ज्यादा सही लग रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि इसको उठाओगे कैसे, सो गाइस इसको उठाना भी काफी ज्यादा इजी है, बस क्राउच होकर उसके सामने चले जाओगे तो गाइस वो आपकी इन्वेंटरी में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, काफी ज्यादा इजी है। एंड गाइस आप लोग सोच रहे हो कि ये सारे आइटम्स पे वर्क करेगा कि नहीं, सो गाइस आप लोग देख ही लो सारे आइटम्स पे ये वर्क करने वाला है। इससे पहले जो आइटम फिजिक्स मोड आता था वो कुछ ही आइटम पे वर्क करता था, लेकिन ये लेटेस्ट वाला ये सारे आइटम्स पे वर्क करेगा। जो भी आइटम को आप लोग गिराओगे सारा ये एकदम फिजिक्स जैसा रियल लाइफ जैसा गिरने वाला है। और गाइस इसके से आप लोग डेकोरेशन वगैरह भी कर सकते हो, काफी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को ये वाला मोड लगा के खेलने में। सो गाइस यार अपना प्लेयर है जो इस वाले विलेज का रक्षक है। और गाइस रक्षक का काम क्या होता है, सुबह सुबह उठना, अपने घर से बाहर जाना और गाइस ये जो विलेज है इसको प्रोटेक्ट करना। उसके लिए ये प्लेयर चला जाता है अपने छत पे, छत पे जाने के बाद चारों तरफ ये देखने लगता है कि कहीं कोई विलेज को हमला वगैरह करने तो नहीं आ रहा है। तो गाइस उसके लिए इसको एक मॉड की जरूरत पड़ जाती है जिसका नाम है जूम बिहेवियर। जूम बिहेवियर से ये मस्त चारों तरफ देख सकता है जूम कर करके कि कहीं कोई विलेज पर अटैक वगैरह करने तो नहीं आ रहा। एंड गाइस जूम कर करके देखते देखते अगर आपका किस्मत भी मेरे जैसा हो तो गाइस आपको भी मस्त मस्त आइटम्स मिल सकता है। जैसा कि देख सकते हो वहां पर एक चेस्ट रखा हुआ है और गाइस इसमें देख ही सकते हो कितना ज्यादा औसम औसम आइटम्स है। और गाइस काफी ज्यादा अमीर आप बन सकते हो माइनक्राफ्ट में। सो गाइस ये मोड काफी ज्यादा यूजफुल है, आप इसको ट्राई करने वालों को नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जावा एडिशन में ये वाला मोड एकदम दिया हुआ रहता है फीचर के साथ ही, लेकिन गाइस पॉकेट एडिशन में नहीं रहता। उसके लिए दो मोड रहता है, एक स्टिक वाला जूम और गाइस एक ये बो वाला। सो गाइस मेरे को बो वाला ज्यादा बेटर लगता है, इसलिए मैं ये वाला मोड को यूज करता हूं। आप लोगों को स्टिक वाला करना है तो स्टिक वाला भी कर सकते हो, एंड गाइस बो वाला करना है तो उसके लिए आप लोगों को एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट पर चले जाना होगा। वहां पर जाकर बस सर्च वाला ऑप्शन में जूम सर्च कर देना होगा। सो गाइस सेकंड नंबर वाला जो मोड है उसको डाउनलोड कर लेना होगा, यही वाला है बो वाला जूम मोड। अब गाइस जो हमारे 5th नंबर पे मोड है, उस वाले मोड में भी आपको रियल लाइफ फिजिक्स देखने को मिलेगा। और गाइस ये कोई जावा एडिशन का फीचर नहीं, ये जावा एडिशन में एक पॉपुलर मोड है। जैसा कि देख सकते हो मैंने यहां पर एक TNT लगा दिया, एंड गाइस मैंने इसको इग्नाइट कर दिया। और गाइस अब आप इसका देखना जो व्यू आता है यार क्या ही तगड़ा आता है, एकदम रियल लाइफ फिजिक्स जैसा आपको देखने को लगेगा। देख ही सकते हो सारा डर्ट जो एक ही बार में यहां पर फेंकता है काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। एंड गाइस बस डर्ट में नहीं, आप लोग इसको ट्रीज वगैरह कहीं पर भी लगा के कर सकते हो इग्नाइट, और गाइस एकदम रियल लाइफ जैसा फिजिक्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एंड गाइस बस आप लोग TNT से ही नहीं क्रीपर से भी ये चीज करवा सकते हो, काफी ज्यादा सही लगता है ये वाला मोड, मेरे को काफी ज्यादा मस्त लगा। आप लोग भी इसको ट्राई करने वाले को नहीं बताना जरूर। नंबर 6th पे जो मैंने मोड को रखा हुआ वो भी मोड काफी ज्यादा पॉपुलर
पॉपुलर फीचर है जावा एडिशन का, उस वाले मोड का नाम है एक्स-रे विजन। आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि कोई सा भी आप लोगों को और वगैरह चाहिए तो वो आप लोग इजिली ढूंढ सकते हो। इसमें सेटिंग करना रहता है रिसोर्स पैक में जाकर, वहां से सेटिंग कर सकते हो कि आपको और चाहिए या प्लेयर को देखना चाहते हो या मॉब को देखना चाहते हो। तो मैंने तो और को सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे को डायमंड ढूंढना है। और गाइस थोड़ा ही से नीचे जाने के बाद मेरे को यहाँ पर चार डायमंड दिख भी गया। सो गाइस काफी ज्यादा ये पॉपुलर मॉड है और गाइस सर्वाइवल में काफी ज्यादा ये यूजफुल होने वाला है कोई भी ओर्स वगैरह फाइंड करने के लिए। एंड गाइस अंडरग्राउंड ही नहीं, बस अगर आप लोग माउंटेन्स वगैरह में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको अंदर का सारा चीज दिख जाएगा कि ओर्स कौन सा अंदर है, ताकि आप लोगों को सारा चीज दिख जाए और गाइस आप लोग इजिली जाकर सारा चीजों को माइन कर लो। ये मॉड जावा एडिशन में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जावा एडिशन का ये एक फीचर है, इसको आप लोग पॉकेट एडिशन में ला सकते हो इस वाले मॉड के हेल्प से। गाइस नंबर 7 पे आपको मिलने वाला है ग्लोइंग ओर, ये भी जावा एडिशन का काफी ज्यादा पॉपुलर फीचर है। इसके हेल्प से भी आपको सर्वाइवल काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाने वाला है। कहीं पर भी अगर आप लोग केव में जा रहे हो तो गाइस ये आपको दूर से ही ग्लो करते हुए दिख जाएंगे, ताकि आप लोग जाके इसको इजिली माइन कर लो। सो गाइस ये मोड भी काफी ज्यादा पॉपुलर, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो, जावा एडिशन का काफी ज्यादा सही फीचर है ये भी। सो गाइस अगर आप लोग अभी तक इस वाले वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। सो गाइस प्लीज जाके वीडियो को लाइक कर दो और गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। गाइस नंबर 8 वाले मोड के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए हुए हैं और गाइस ये वाले स्ट्रक्चर से आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा मोड है। सो या गाइस आप लोगों ने सही गेस किया, स्नेक एंड क्राउल मोड आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि जावा एडिशन में काफी ज्यादा सही फीचर ये होता है। कहीं पर भी आप लोग 2.5 ब्लॉक्स के अंदर से जा सकते हो और 0.5 ब्लॉक के अंदर से भी क्राउल होकर जा सकते हो जावा एडिशन में। क्राउल होने के लिए बस गाइस आपको नीचे देखना होगा और गाइस स्नेक करना होगा, तो आपको यहाँ पर क्राउल का ऑप्शन दिख जाएगा और गाइस ऐसे जगह से आप लोग इजिली क्राउल होकर निकल सकते हो। काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है अगर कहीं भी आप लोग माइनिंग वगैरह करने जा रहे हो और गाइस ऐसा जगह से आपको अगर निकलना है तो गाइस ये वाला मोड के हेल्प से आप लोग निकल सकते हो। जावा एडिशन में ये वाला फीचर ट्रैपडोर के हेल्प से होता है, जो कि वो फीचर रहता है जावा एडिशन का ही, वहां पर कोई भी मॉड्स नहीं रहता है, लेकिन आप लोग पॉकेट एडिशन में ये वाला मॉड लगा के ये वाला फीचर को यूज कर सकते हो। सो गाइस नंबर 9 पे जो मैंने मॉड कर रखा उस वाले मोड का नाम है कनेक्टेड ग्लास मोड और गाइस ये मोड काफी ज्यादा अमेजिंग है, जावा एडिशन का ये एक फीचर ही होता है। देख सकते हो काफी ज्यादा सही सही आपको इसमें ग्लासेस मिल जाते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट रहते हैं और गाइस एकदम कनेक्टेड रहते हैं। देख सकते हो इसमें काफी ज्यादा सही लगता है, जो पॉकेट एडिशन का ग्लास रहता है वो गाइस जॉइंट जैसा लगता है तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये वाला ग्लास वाला मोड अगर आप लोग लगाओगे तो इसमें आपको सारे ग्लास कनेक्टेड जैसा दिखेंगे, जो कि अगर आप लोग हाउस वगैरह बना रहे हो तो उसमें काफी ज्यादा ये अच्छा लगने वाला है। और गाइस ये ग्लास को क्राफ्ट करने में काफी ज्यादा इजी है, बस नॉर्मल वाले ग्लास को आपको क्राफ्टिंग टेबल में रख लेना है तो गाइस आपको ये वाला ग्लास मिल जाएगा। बात है गाइस आज के वीडियो के नंबर 10th मोड पे, मतलब लास्ट मोड पे। सो गाइस इस वाले मोड का नाम है हार्डकोर मोड। अगर गाइस आप लोगों को भी जावा एडिशन के प्लेयर के जैसा हार्डकोर मोड खेलना पसंद है तो ये वाला मोड को ट्राई कर सकते हो, काफी ज्यादा सही मोड है ये। कहीं से भी गाइस अगर आप लोग खेलते खेलते गिर गए तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर रीस्पॉन का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, यहाँ पर बस आपको स्पेक्टेट वर्ल्ड का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप लोग बस अपने वर्ल्ड को स्पेक्टेट कर पाओगे, इसमें आप लोग दोबारा नहीं खेल पाओगे। सो गाइस जावा एडिशन के प्लेयर के जैसा अगर आप लोगों को भी हार्डकोर मोड खेलना पसंद है तो ये वाला मोड को ट्राई कर सकते हो। तो हाँ गाइस ये थे आज के वीडियो का 10th जावा मोड और गाइस ये इस वाले सीरीज का लास्ट वीडियो था, क्योंकि यार ज्यादा जावा मोड्स है नहीं और गाइस मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो और बना कर रखा हुआ है। सो गाइस टोटल अगर गिनो तो गाइस मैंने 30 जावा मोड्स दे दिए हैं। सो गाइस अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जाके देख लो, उसमें भी मैंने सारे पॉपुलर जावा मोड्स दिए हुए हैं। और गाइस ये जो जावा मोड्स मैंने दिया इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, काफी ज्यादा सही सही जावा मोड्स है और गाइस खेलने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। सो ओके गाइस इस वाले वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं मिलता हूं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।